सुनो। हाँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं? नहीं। कुछ तो कर रहे होगे? बैठा हूँ। बैठा हूँ क्या होता है? बैठकर कुछ तो कर रहे होगे? बैठा हूँ होता है। अरे बैठकर कुछ तो कर रहे होगे? इंसान को कुछ तो करना चाहिए। आराम कर रहा हूँ। ठीक है, करो। सुनो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे होगे? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ऐसा थोड़े ही होता है कि कोई कुछ नहीं सोचे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बताओ ना, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं क्या लगा रखी है? कुछ नहीं। अरे जब कुछ नहीं सोच रहे हो तो क्या कर रहे हो? आराम कर रहा हूँ। सुबह से कितने पापड़ बेले हैं कि अब आराम कर रहे हो? तुम क्या करण जौहर की चाची लगती हो जो इतना सवाल पूछ रही हो? तुम क्या हार्दिक पांड्या के मामा लगते हो? ये तो बेतुकी बात है, इसमें कोई दम ही नहीं है। अच्छा, तुमने कही तो बात वजनदार और मैंने कही तो बात बेतुकी। पता नहीं तुम आईएम वालों के सर से ये सुपीरियोरिटी का भूत कब उतरेगा। सुनो। हाँ। शाम के 5 बजे हैं, जाकर टहल क्यों नहीं आते? मैं लाकर तुम्हारा स्वेटर दे देती हूँ। टहलने नहीं जाना है? आज सुबह भी नहीं गए थे, जाकर टहल आओ। नहीं, टहलने नहीं जाना है आज। बाहर जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारा स्वेटर दे देती हूँ। मुझे टहलने नहीं जाना है। बाहर बहुत ठंड है, मैं स्वेटर ले आती हूँ। मुझे टहलने नहीं जाना है। अभी तो तुम टहलने जाना चाहते थे, अब तुम नहीं जाना चाहते। तुम भी बार बार अपना मन बदलते हो और मुझे तुम्हारे स्वेटर के लिए, इसके लिए, उसके लिए बार बार भागना पड़ता है। मैं दौड़ते दौड़ते कितना थक जाती हूँ, इसके बारे में कभी सोचा है? तुम चाहती हो मैं टहलने के लिए जाऊं, मैं तो नहीं चाहता टहलने जाना। टहलने जाने में तुम्हें क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। फिर क्यों नहीं जाना चाहते? बस नहीं जाना चाहता। फिर क्या करना चाहते हो? आराम। ठीक है, जो करना है करो, मैं कहने वाली कौन होती हूँ? आजकल तो किसी को अच्छी सलाह देना भी जुर्म है। हेलो, ऑल वेल? गुड दैट यू कॉल्ड। हाउ वाज योर ट्रिप टू गोवा? हाँ, यहाँ सब ठीक है, तुम सुनाओ। अरे वो दही बड़े की मीठी चटनी की रेसिपी, अच्छा वो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। Oh yeah, he's all right. Sitting all day on a sofa like a lump of shit. Okay, bye. See you. सुनो, ये तुम अभी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो lump of shit वाली बात? अरे वो तो मजाक की बात थी। मैं कोई सच में थोड़ी ही तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें सोच सकती हूँ। सुनो। हाँ? मेरी इयररिंग बेड के नीचे चली गई है, मैं झुक नहीं सकती, आकर निकाल दो ना प्लीज। तुम्हें कैसे मालूम बेड के नीचे है? और जगह देखा क्या? मैंने सब जगह देख लिया है, मेज पर नहीं है, ड्रॉअर में नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है, बेड के नीचे ही होगी, निकाल दो ना प्लीज। वो उसमें देखा, अपने उस भानुमती के पिटारे में? भानुमती का पिटारा मतलब? वो तुम्हारा पर्स।
उसमें नहीं देखा। क्यों? अरे पर्स में ढूंढना बहुत मुश्किल है, तुम प्लीज बेड के नीचे ढूंढो, नहीं मिला तो पर्स में देखूंगी। ढूंढो ना प्लीज। ठीक है। कब ढूंढोगे? अगले हफ्ते। सुनो। हाँ। कब से बैठे हो, कुछ करना नहीं है क्या? कर तो रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता कुछ ग्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। कब तक बैठोगे? जब तक बम्स के परमानेंट निशान इस कुशन पर नहीं पड़ जाते तब तक। कोई तकलीफ है? सुनो रात में क्या खाओगे? कुछ भी बना दो खा लूंगा। फिर भी कुछ खास खाना चाहो तो बता दो। कुछ भी बना दो। अभी ऐसा कह रहे हो, बाद में नुक्ताचीनी करोगे। मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो फिर सूप और सैंडविच? ये तो परसों ही खाया था। रोटी सब्जी? सो बोरिंग। फिर गोभी के पराठे? तुम्हें मालूम है उससे मुझे पेट में गैस हो जाती है। अरे फिर बताओ ना क्या खाओगे? कुछ भी बना दो। आज दिन में माली ने लॉन मो किया था, हरी हरी घास अभी आई है, खाओगे? सुनो। हाँ। When you were asleep, your girlfriend Sharmila had called. कौन? टैगोर? हुँ, टैगोर। ये मूंग और मसूर की दाल, शर्मिला पान से। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे भैया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्यों बताएगी? बोली तुम्ही से बात करेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो ठहरी। अब ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या लगा रखी? तुम्हें मालूम है हम लोग नदी की सफाई के लिए साथ साथ काम करते हैं। तुम भी तो आई वहां कई बार। आई हूँ, और देखा तुम कैसे उसके कंधे पर हाथ रखकर हंस हंस के बात करते हो। देखो, ये हंस हंस के बात करने वाली बात सही हो सकती है, लेकिन कंधे पर हाथ रखने वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसे हंस हंस के बात तो तुमने मुझसे पिछले 5 साल से नहीं की है। अरे अपनी बीवी से कोई आदमी हंस हंस के बात नहीं करता है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम रहती है, पता नहीं कौन सा तीर कब किस दिशा से आ जाए। बस दो मेरे दोस्त हैं जो अपनी बीवियों से बुलंद आवाज में बात करते हैं, एक सुबीर बोस और एक अनिल कुमार। लेकिन चंद्रिका और तारा भी बहुत समझदार हैं, कुछ उनकी सुनती उनती नहीं है, एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देती हैं। तुम्हें कैसे मालूम? उन्होंने तुम्हें फोन करके बताया। अरे देखा नहीं उनके चेहरे की रौनक और सुकून। सुनो क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। बैठना कोई काम नहीं होता। क्यों? मिर्जा गालिब कह गए हैं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। क्या शेर है। अच्छा तो ये बात है, तुम किस जाना का तसव्वुर कर रहे हो? किसी का नहीं, ये तो शायरी की बात है। किसी का तो कर रहे होगे, इतनी जानाएं रही हैं तुम्हारी, बता भी दो। अब तुम्हें तो शायरी सुनाना भी मुश्किल है, कहाँ की बात कहाँ लेके जाती हूँ। अब से मैं तुम्हें बस कबीर के दोहे सुनाया करूंगा। तो फिर शायरी किसे सुनाओगे? अपनी उस शर्मिला टैगोर को? वैसे भी अच्छी शायरी की तारीफ करने के लिए थोड़ा आर्टिस्टिक टेस्ट की जरूरत होती है। अच्छा मियाँ, सारी जिंदगी तेल बेचा और अब आर्टिस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। सुनो कोई मूवी चलते हैं। कौन सी? अंधाधुन। ये क्या वाहियात नाम है? अरे नाम से क्या होता है, श्वेता कह रही थी कि बहुत अच्छी फिल्म है।
मुझे तो नाम ही पसंद नहीं है। फिर कौन सी फिल्म देखना चाहते हो? मुझे तो आजकल की फिल्में पसंद ही नहीं आती, सब फालतू होती हैं। तो फिर किस तरह की फिल्में पसंद हैं? मुझे? अरे फिल्में तो हमारे जमाने में बनती थी, मुगले आजम, देवदास, क्या फिल्में होती थी और क्या डायलॉग होते थे। याद है वो मुगले आजम का डायलॉग, और अगर ऐसा ना हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे, और वो देवदास का डायलॉग, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूँ, क्या डायलॉग थे और क्या हीरोइनें थी खूबसूरत, मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस, वाह वाह। तुम्हारी मधुबाला और मीना कुमारी कब की अल्लाह को प्यारी हो गई और तुम अभी तक बैठे हुए कुशन पर बम्स के निशान बना रही हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। अब कब तक इस तरह बैठे रहोगे? 7 बज गए हैं, अब उठता हूँ और फिर अपने लिए विस्की बनाऊंगा। हे राम, और इसी तरह बहुत बरस बीत गए और फिर एक दिन पत्नी वहां चली गई जहां से कोई लौटकर नहीं आता। खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है।